क्या करूँ, मैं कॉलर बोलूँ मैं पार्लर बोलूँ, मेरी तो समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो आपके कान का जो मेल भरा हुआ है ना उसे खत्म कर देंगे। तबीयत अब बेहतर हो गई है बेगम साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गर्म है। सूखे कपड़ों में गए थे और गीले कपड़ों में तशरीफ लेकर आए इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम एक फैमिली, कैसे मित्र आप अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो गई है, जैसे मैं आया बेगम साहब ने चीजों की ऑफर करी थी, चीजें वगैरह लेके आया था, भाई बारिश एकदम शुरू हो गई और गर्मी और हब्स भी बहुत हो रहा था। हाँ ये तो है, अब हब्स टूट जाएगा। चाय नहीं बनाई अभी? बन गई, नहीं बनाई। चुप कर पे कुत्ते, अब खुद बनाओ। करते हैं और, मैं भी और ये पर्दे का देख रहे हैं आप, क्या हाल क्या हुआ, किस किस के घर में पर्दे का ये हाल होता है, मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा जी, बारिश में खाता हूं मैं भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे तमाम प्यारे बहन भाई, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी खास दुआओं में हमें भी याद रखे। देखें हम तो आपको तीन दुआओं में याद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है। और तबीयत अब बेहतर हो गई है बेगम साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गर्म एहसान है मेरे इतने प्यारे प्यारे से बहन भाई ने, जिन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ की, और सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा तो मेरे रब का जिसने मुझे दोबारा से सेहत याब किया, काफ़ी टाइम का गैप हो चुका था, और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि आप कंटिन्यू आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करेंगे अपने और हंसी खुशी की रूटीन शेयर। और आज आपको आपको मैंने सरप्राइज देना है, वो किचन में जाके आप दिखा देगा। ठीक है जी, चले जी आके किचन में दिखाएं। करनी है जी पूरी ये सफाई किचन वगैरह की सारी। अल्हम्दुलिल्लाह जी चूल्हा भी ठीक हो गया है मेरा, मगर ये चेंज हो गया इसके, ये देखें ये तीनों ना, अब मैं फिर भेजूंगी, कितना गंदा सा हो रहा है मेरा चूल्हा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही हूँ, आपको पता है घर के काम तो ख़त्म होते नहीं हैं, एक काम करो दूसरा काम में आ जाओ, तो बस मैंने कहा चले अब मैं जल्दी से यहाँ पे बर्तन धो लूँ, तो बस अब मैं जल्दी से चाय बनाऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, बारिश अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल वक्फे वक्फे से जारी है कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है। मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, मगर जब बारिश होती है तो हवा चलती है, उसके बाद फिर वही हब्स हो जाता है। तो जी मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कह रही थी कि इंसान हो या कोई बेजान चीज़ हो, मतलब जानदार हो या कोई बेजान चीज़ हो, जब नज़र लग जाती है ना तो बस चीज़ ख़राब ही हो जाती है। तो अल्लाह पाक हासिद की हसद और हर बुरी नज़र से हमें महफूज रखे, आमीन सुमामीन, और हमारी चीज़ों को भी और तमाम लोगों को, तमाम मेरे चाहने वालों को जितने भी हमें पसंद करते हैं, हमें इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। चूल्हा मेरा माशाल्लाह से इतना अच्छा था मैं आपको बता नहीं सकती, बस लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा, आपका चूल्हा तो बहुत अच्छा है, ये चूल्हा कहाँ से लिया? अरे भाई चूल्हा ही तो है, बहरहाल आखिर को उसके जो क्लिप होते हैं, आई थिंक क्लिप ही कहते हैं जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं स्विच, वो ख़राब हो गया, उसके बाद फिर अब जाकर इमरान ने ठीक कराया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो मेरे तीनों ना चेंज हो गए। तो मैंने इमरान से कहा है आपने इसको वहीं लेकर जाना है शॉप पर, क्योंकि अभी तो बाहर चूल्हे वाला जा रहा था ठीक करने वाला, उससे ठीक करवाया है, तो फिर वहीं भेज कर मैं इंशाल्लाह अपना चूल्हा ठीक करवाऊँगी। अब बेचारे मेरे प्यारे से शोहर गए हैं सौदा लेने के लिए, तो आ जाते हैं फिर सौदा वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सामान लाएँ, कुछ भूल के तो नहीं आए इमरान, और उसके बाद फिर देखते हैं रात के खाने में क्या बनेगा। A few moments later. जी बेगम साहिबा, मैंने सामान आपको ला दिया, आलू प्याज धनिया पुदीना, ये सामने जो है ना बेसन चावल आलू चीनी वगैरह सब चीज़ें ला दी हैं, और बाहर जो है ना वो बारिश का मौसम होने ही वाला है, उस बारिश हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ वक्फे-वक्फे से हो ही है। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो गर्मी गुजरी थी ना, हाय अल्लाह अल्लाह, बस क्या बताऊँ मैं आपको, अगर बारिश हो गया मौसम अच्छा हो गया तो बेगम साहब से मैंने ये कहा है कि जाके आप जरा कुछ पकौड़े शकौड़े बना देंगे। अभी कहा नहीं है, अब बोलेंगे जाके ना पकौड़े बना दे, मुझे पता था इनको पकौड़े और सब कुछ करना है। और अच्छा जी, आप लोगों ने हमें मिस किया और बहुत हमारे दिन समझो तकरीबन 8-10 दिन 15 दिन से हमारे लोग नहीं आ रहे थे, उसकी वजह ये थी कि भी मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, बेगम साहिबा की तबीयत सही नहीं थी, अब जाए कुछ अल्लाह अल्लाह करके बेहतर हुई है, और इनके हाथ में स्वेलिंग हो गई थी, इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया इस तरीके से, और आप सब ने माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने हमारे जितने सब्सक्राइबर देख रहे हैं प्यारे प्यारों ने कमेंट्स भी करे और हमारे व्हाट्सअप पर रब्ता करके हमारी आदत भी करी, तो उन सबका थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं पूछा उनका भी बहुत शुक्रिया। क्यों बेगम साहिबा, तो आप यूट्यूब फैमिली हैं हमारी,
तो आप लोगों से हर चीज़ हम शेयर करते हैं। तो जल्दी जल्दी जाएं बेगम साहिबा तैयार करें। पकौड़े बना के लेकर आऊंगी, नहीं तो बाजार से बने मिले चले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पर ये बेसन और ये आलू के पकोड़े और कुछ प्याज वाले पकोड़ों की बनाने की तैयारी हो रही है। छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, फ्लेम अपना तेज कर लेंगे और इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे। और क्या खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी चलें, मैं इसे मिक्स करती हूँ, अच्छी तरीके से पकाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके, और बस हमारे मज़ेदार से छोले रेडी हैं। देखें कितनी जल्दी से बन गए, झटपट बन जाते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर, और ये तेल मैंने बाल्टी में पलटा था तो तेल जो बच गया था, तो इस तरह आप लोग भी निकाल सकते हैं। तेल बहुत एक्सपेंसिव है और कीमती है, लिहाजा ऐसा ही करें। जी तो गर्मा गर्म से पकौड़े यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी से। और कुछ यहाँ पर मैं फ्राई कर चुकी हूँ, साथ में मैंने नगेट्स भी फ्राई किए हैं। अब हम बनाएंगे अच्छी सी चाय। शाम की टी टाइम में तो भाई आज बने हैं नगेट्स और ये पकौड़े, साथ में चाय बिस्किट, और ये जी नेशनल का गार्लिक इरम के लिए, और ये केचप है मेहरान का, इस दफ़ा चेंज करा है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह किचन के सब काम से फ्री होकर, खा पी कर अब फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि ना अपनी जो फैमिली से एक बात है जो मुझे काफ़ी टाइम से शेयर करनी है और वो मैं कर भी नहीं पा रही थी। बहरहाल मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बात दरअसल कुछ इस तरह है कि हमारी ज़िंदगी में ना इर्द गिर्द, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी समझते हैं, साथ में वो बेरे भी होते हैं। अब बेरे बोलूँ या बहरे बोलूँ, अब ये आप लोग कॉमेंट्स में बता देगा। ख़ासतौर पर वो लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ना ये छोटे मोटे लोगों के मुँह लगना पसंद नहीं करती, ठीक है, उन्हें मैं जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ, ख़ासतौर पर बदतमीज़ लोगों के, और जो बहरे भी हों या बेरे हों, ठीक है। बात है, काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहा था मेरे पास, और उन सिस्टर को मैंने बहुत दफ़ा इग्नोर किया, मगर अब हाथ और बस कर दी थी। आपको यहाँ साइड में स्क्रीन पर या इधर स्क्रीन पर साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। उनका कहना है सारे तो जला दिए हर है, और ये मेरी जो इस वीडियो जो पहले की वीडियो थी उस पर थे ये कमेंट्स। कमेंट्स कहते हैं या कमेंट्स कहते हैं या कमेंट्स कहते हैं, ठीक है, ये भी आप बता दें, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं क्या करूँ, मुझे बोलना नहीं आता। बहरहाल अच्छा जी, ये फरमाती हैं सारे जला दिए हैं एंड टेस्टी होता है, टेस्टी नहीं होता। अब आप ये बताएं, मैंने अगर कोई चीज़ खाई है, मैंने बनाई है, मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी थे, ठीक है, तो मैंने टेस्टी ही कहा है, टेस्टी ही कहा है। लेकिन जो बहरे हैं ना, उनको तो कुछ और ही समझना आता है। आंटी फरमाती हैं कि पार्लर होता है, कॉलर नहीं होता, तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही सुन लेती हैं। आप अपने कान का इलाज कराएं, कराची में भी ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, आगा खान में आप चली जाएँ जिसे बेस्ट हॉस्पिटल समझा जाता है, और नेशनल हॉस्पिटल है। अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अच्छा नहीं समझती तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाएँ। दूसरा हॉस्पिटल है, हाँ, एक डॉक्टर नासी ने बहुत मशहूर है, जो लोग जानते होंगे उनके पास आप चली जाएँ, तो वो आपके कान का जो मेल भरा हुआ है ना उसे ख़त्म कर देंगे, और फिर आप अच्छे अच्छे से जो वर्ड हैं जो हम लोग बोलते हैं आपकी समझ में भी आने लगेंगे और आप समझ भी जाएंगी। तो जी किसी को बोलने से पहले और से सुन लें कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसके बाद जो आपका दिल जाए जैसा आप तो सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने, लेकिन आप किसी को ये जाहिर नहीं करें कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दूसरा कुछ नहीं है, या आपको ही बोलना आता है। सिर्फ अल्लाह पाक ने आपको ही बोलना सिखाया है, हमें बोलना नहीं आता, मैं क्या करूँ, मैं कॉलर बोलूँ, मैं पार्लर बोलूँ, मेरी तो समझ ही नहीं आती, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी। अब मैं आज से टेस्टी बोलूँगी, टेस्टी। और दूसरा ये ना मैं ना पार्लर बोलूँगी, ना पॉलर पॉलर ही बोलूँगी, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो कान में रुई ठूसो और यहाँ से जल्दी बने, ठीक है। तो जी
इसी के साथ है मुझे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखते हैं बहुत सारा ख्याल, हमें रखते हैं दुआओं में याद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कॉमेंट्स करते जाएँ, और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, धमाकेदार से अल्लाह हाफिज़।